स्किन रेंडरिंग के लिए मैं फाइबर कासल का पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। मैंने टोटल 3 शेड्स लिए हैं। बालों के लिए मैंने ब्लैक पेन यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक पेन से पूरे मैं पहले शेड कर दूँगी और जहाँ जहाँ पे भी लाइट के इफेक्ट्स आ रहे हैं वाले एरिया को थोड़ा थोड़ा छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं ब्लू पेंसिल ले रही हूँ फाइबर कासल का। डेनिम इफेक्ट के लिए सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पे डार्क शेड है वहाँ वहाँ पे भी मैं थोड़ा पहले कर दे रही हूँ शेडिंग। उसके बाद मैंने ब्लू पेंसिल वही फैब्रिक पेंसिल का यूज़ किया। पहले लाइट करेंगे हम पूरे जीन्स पैंट पे हल्का हल्का सा, जहाँ पे भी फोल्डिंग के इफेक्ट्स हैं वहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद मैं डार्क करते जा रही हूँ। उसके बाद जहाँ पे उसका पैर फोल्ड हुआ है वहाँ पे मैंने और डार्क यूज़ किया पेंसिल के। उसके बाद पेंट कलर यूज़ किया ब्लैक पेंट, वहाँ पे ज़्यादा डार्क इफेक्ट आ नहीं रहा था पेंसिल से इसलिए। उसके बाद ब्लू पेंसिल को मैंने फिर से यूज़ किया। फिर रबर से मैंने जहाँ जहाँ पे शाइनिंग का इफेक्ट आ रहा है वहाँ वहाँ पे मिटा दिया। उसके बाद मैंने ग्लास पेंसिल यूज़ किया है। उसके बाद फिर से मैंने ब्लैक पेंसिल यूज़ किया है और डार्क करने के लिए। वाइट पेंसिल के कारण थोड़ा लाइट हो गया था करके। उसके बाद फिर से ब्लू पेंसिल यूज़ किया है और जहाँ पे भी फर इफेक्ट है वहाँ वहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा मैंने मतलब ब्लू पेंसिल को यूज़ किया है ताकि वहाँ पे वाइट पेन चलेगा तो फिर दिखेगा करके। फिर वाइट पेन से मैंने लाइनिंग के कर्व्स दे दिए वहाँ पे, जहाँ जहाँ भी जीन्स पैंट के जो भी दिख रहे हैं इफेक्ट्स वहाँ वहाँ पे वाइट पेन से लाइन कर देना है। फिर घुटने के पास भी मैंने देखा था फर इफेक्ट आ रहा था तो मैंने अलग अलग डायरेक्शन में फर इफेक्ट देने की कोशिश की है। उसके बाद पैरों के पास भी था तो वहाँ पे भी लाइन लाइन करके, और जहाँ पे ज़्यादा फर इफेक्ट है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वाइट हो जाएगा। टॉप के लिए मैंने गोल्डन पेंट यूज़ किया है। उसके बाद हमारी स्केचिंग डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।